हेलो। उसका थर्ड पार्ट यानी कि पार्ट 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक का बेसिकली मेन टॉपिक जो है वो सॉफ्ट और हार्ड वाटर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है। दोनों को समझो और पहले ये दोनों में डिफरेंस क्रिएट करो, ठीक है। पढ़ते हैं जरा कि सॉफ्ट वाटर का क्या मतलब, हार्ड वाटर से क्या मतलब है, ठीक है। तो खैर, वाटर इज सेड टू बी सॉफ्ट। वाटर को सॉफ्ट कहा जाता है? वाटर को, चलो पहले पढ़ लेते हैं, बाद में बताता हूँ। वाटर इज सेड टू बी सॉफ्ट इफ इट रेडिली फॉर्म्स लेड एंड विद सो। प्योर वाटर और वाटर कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट इजिली गिव्स लेड एंड विद सो। सच अ वाटर इज अ सैंपल ऑफ सैंपल सच अ वाटर सिंपल इट्स कॉल्ड सॉफ्ट वाटर इट इज सुटेबल फॉर यूज। डिस्टिल्ड वाटर एंड रेन वाटर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट वाटर। वाटर इज सेड टू बी हार्ड व्हेन इट डज नॉट रेडिली फॉर्म लेदर विद सो सो, ठीक है। एक बार आप भी रीड कर लो, मैं तो रीड कर लिया, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो गया। पहले यहाँ पे कुछ वर्ड है वो मैं आपको लिखवा दूँ, वर्ड मीनिंग दे रहा। लेदर लिखो, लेदर का मीनिंग लेदर बोलो लेथर बोलो, आप उसको प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो। झाग, इसका मतलब कितना झाग है, तो उसका मतलब झाग। तो झाग मतलब क्या, हम नहाते हैं। सर मैं तो नहीं नहाता, ले नहाते हो आप, मेरे को पता है। हम नहाते हैं तो साबुन से जो हम लगाते हैं बॉडी पर, तो बबल से बनते हैं, झाग से बनते हैं, बबल से बोलते हैं झाग, है ना। तो वो कह रहे हैं अगर पानी में आप सोप डालो, है ना, और उसे झाग बन जाए, विद सोप बन जाएगा साबुन से, अगर झाग झाग बन रहे हैं पानी में, अगर साबुन से पानी में झाग बन रहे हैं तो पानी कैसे कर जाएगा सॉफ्ट वाटर कर जाएगा, तो वाटर कैसे कर जाएगा सॉफ्ट वाटर कर जाएगा, ठीक है। फिर तो आगे कहता है कि जो प्योर वाटर है, फिर वाटर ऐसे है जो अपने सोडियम सॉल्ट कंटेन करते हैं, वो ऐसा काम करते हैं, वो झाग प्रोड्यूस करते हैं, वो झाग प्रोड्यूस करते हैं। तो कहना ऐसे सॉप को, ऐसे सॉप सॉप सोप को, वो ऐसे वाटर को सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। और ये ऐसे वाटर, ऐसे सॉप, ऐसे पानी सूटेबल फॉर यूज होता है, ऐसा वाटर सूटेबल फॉर यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल कह रहा है डिस्टिल्ड वाटर हो गया आपका, रेन वाटर हो गया, तो आपको एग्जाम्पल से सॉफ्ट वाटर, ठीक है। फिर कह रहा है जब वाटर हार्ड वाटर कौन सा होगा, अरे इसका जस्ट अपोजिट सॉफ्ट है, अपोजिट हार्ड है। सर अगर वो साबुन के साथ झाग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जैसे पानी का, हम क्या कहेंगे हार्ड वाटर, ठीक है सर। इसके रीजन के हार्ड कैसे होता है वाटर, देखने रहा क्यों होता है। वाटर सुपर स्प्रिंग सुपर रिवर्स कंटेन डिजॉल्व्ड मिनरल मैटर। ऐसा डिजॉल्व्ड मैटर हैपेंस टू बी द हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फेट्स ऑफ क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम द वाटर गेट्स हार्ड। वो कह रहा है अभी से हटिंग से नहीं, वो क्या कह रहा है, वाटर ऑफ स्प्रिंग का वाटर हुआ, वेल्स का पानी हुआ, या रिवर्स का पानी हुआ, जो अंदर जो अपने अंदर क्या डिसॉल्व करे हुए होते हैं मिनरल मैटर्स, है ना, लाइक हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, लाइक सल्फेट्स, लाइक क्लोराइड्स, लाइक कैल्शियम, लाइक मैग्नीशियम, ये सारी चीजें इनमें मिक्स होती हैं। अगर तो ऐसे इनकी वजह से पानी क्या होता है हार्ड हो जाता है, इन मटेरियल्स की ऐसे सब्सटेंसेस की वजह से पानी क्या होता है हार्ड हो जाता है। क्या कह रहा है, हार्डनेस इन वाटर, हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाई कार्बोनेट और सल्फर फ्लोराइड और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। वो कह रहा है कि हार्डनेस होती है पानी के अंदर, वो इन सब्सटेंसेस की वजह से होती है, वो इन सब्सटेंसेस की वजह से होती है। ठीक है, वे वाटर फ्लोज ओवर बेड्स ऑफ लाइमस्टोन। कहते हैं वाटर है ना फ्लो करता है किस पे, ओवर बेड्स ऑफ लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली कन्वर्ट्स सम ऑफ दीज इनटू एन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, एन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट व्हिच कैन बी फॉर्म एंड मेक इट हार्ड। वो कह रहा है जब वाटर फ्लो होता है ओवर बेड्स ऑफ लाइमस्टोन, ओवर बेड्स ऑफ लाइमस्टोन सरफेस से है,
लाइमस्टोन की सरफेस पर या फिर डोलोमाइट की सरफेस पर जब वो क्या करता है, वाटर फ्लो करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होने लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे क्या हो जाता है, सोल्यूबल कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाता है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, जो कि पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो कि पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं उसको हार्ड बना देते हैं। सर ये लिखा कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली स्लोली कन्वर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? ये CO3 क्या है बेसिकली, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? CO2 के अंदर, ठीक है, इनके अंदर है ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक ज़रा सोडियम कैल्शियम सोल्यूबल कैल्शियम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये था, इनको मिलाया, ये ऐसा बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इनको मिलाकर ये बन गया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और इनकी वजह से बन जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेक्माइट्स इन केस ड्यू टू द सेम रीजन। दोनों वर्ड्स को नोट करो, लिख लिया आपने वर्ड। स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेक्ट को दिखाते हैं इसके लिए, आप दिखाते हैं इसके लिए, आपको अगर आपने मूवीज वगैरह देखी हो कभी, रियल में मुझे नहीं पता आपने देखा होगा, ये पता नहीं, देखा भी सकता है, आप गए हो ठंडी जगह पर, तो केव्स वगैरह में आइस की एक कवरिंग से बन जाती है, आइस के बहुत साफ सरफेस वाले क्या बन जाती है, फिगर्स बन जाती है, उनको बोलते हैं बेसिकली। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं देख रहे हैं, तो ऊपर से जो निकलती है ऊपर से, इनको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्ट, और जो है ना, और जो नीचे से ऊपर जाती है, जो ऊपर से नीचे जाती है उसको स्टेलेक्टाइट, जो नीचे से ऊपर जाती है उसको स्टेलेगमाइट, है ना। तो ये है ऊपर से नीचे आ रही है स्टेलेक्टाइट्स, जो नीचे से ऊपर जा रही है स्टेलेक्टाइट। और डोंट आस्क इसको क्या बोलेंगे, जो ऊपर से नीचे आ रही है नीचे से ऊपर जा रही है, अभी देखना पड़ेगा ये कहाँ से किस तरफ जा रही है, कुछ लग रहा होगा पूरा ऊपर से आ रही है, पर देखोगे तो नीचे से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है, नीचे से सरफेस ज़्यादा लग रहा है, नीचे से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है, ऊपर से नीचे भी जा रही हो, पता नहीं जिस तरफ से जा रही होगी, तो साइंटिस्ट को डिस्कवर करना पड़ेगा ऊपर से नीचे आ रही है नीचे से ऊपर, जब उसकी डायरेक्शन डिसाइड कर पाएंगे तो उसका नाम डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, लिख लो आप जिस तरह से आप बैठना चाहो। कहते हैं आपने लिस्ट को पॉज करके, इसलिए इसलिए मैं से इसलिए टाइप्स इन सम लाइमस्टोन केव्स वन समटाइम्स सी द कॉनिकल पिलर लाइक ऑब्जेक्ट्स सम हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द केव्स। ये कुछ तो कैसे होते हैं, फ्रॉम द रूफ ऑफ द केव्स एंड सम फ्रॉम द रूफ एंड सम फ्रॉम द फ्लोर। रूफ से होते हैं उनको ये बोलते हैं, और जो फ्लोर से होते हैं उनको ये बोलते हैं। ठीक है, दीज आर फॉर्म्ड बाय वाटर ड्रिपिंग। ये कैसे होते हैं, वाटर बार बार ड्रिप करता रहता है उससे बनते हैं ये, जैसे आपके पास पिक्चर दी हुई ऑलरेडी, और जो हमने देखी तो क्या यही ठीक है, नहीं हमने देखी तो अलग है। हाँ हमने ये वाली पिक्चर देखी है, वाली पिक्चर देखी है, ये कलर्ड वर्जन है आपको बुक वाली पिक्चर का,
देखो ये पिक्चर है सेम टू सेम। हाँ हमने देख रहा है कि आपकी बुक वालों ने कहाँ से पिक्चर कॉपी की, गूगल से कॉपी की है। पत्थरों में से जो क्रैक होते हैं उसमें टपकता रहता है, ड्रिप करता रहता है और वो क्या हो जाता है ठंडे होके आइस की है ये बर्सील डो नाली पे कंटेनिंग डिजॉल्व कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। डिग्रीज ऑफ प्रेशर एंड वार्मथ इन साइड द केस रिजल्ट इन द कन्वर्जन कार्बोनेट टू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू कैल्शियम कार्बोनेट। छोड़ो दिस कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिटेड विल गेट्स डिपॉजिटेड बोथ ऑन द रूफ एंड फ्लोर ऑफ द केव। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट धीरे 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 डिपॉजिट हो जाता है जमा होने लगता है सर रूफ पर भी और फ्लोर पर भी है ठीक है। कॉनिकल प्लट विच ग्रोज डाउनवर्ड्स, सर वो प्लट जो नीचे की तरफ जा रहे हैं उनको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट और जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट। ये इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है। दे मीट आफ्टर टाइम एंड फॉर्म अ प्लर लाइक स्ट्रक्चर, सब एक टाइम बाद दोनों मिल जाते हैं और एक प्लर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इन ईयर सम ग्रो लेस देन इवन अ सेंटीमीटर बट सम सेंटीमीटर वो कह रहे हैं 100 सेंटीमीटर वो कह रहे हैं, कुछ सेंटीमीटर पिछले आते हैं कुछ 100 तक ही रहते हैं, कुछ सेंटीमीटर तक ही रहते हैं है ना। कुछ सेंटीमीटर से छोटे रहते हैं लेस देन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर भी वर्क कर रहे हैं और कुछ 100 सेंटीमीटर के बराबर भी हो जाते हैं। नोट ये वाटर फॉल ओवर बेड्स ऑफ जिप्सम अल्टीट्यूड ऑफ जिप्सम गैस डिजॉल्व इन वाटर एंड मिक्स इट आप। वो कह रहे हैं जिप्सम भी एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो वाटर को हार्ड बना सकते हो ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। हाँ सर एक चीज़ सर पानी में हो सकता है कभी कभी सब चीज़ें डिजॉल्व हो रही हैं और वो कभी कभी तो लेथर बन रहे हैं कभी नहीं बन रहे हो। हाँ एक कभी बन रहे हैं यानी वो टेम्परेरी हार्ड था वो, और वो हमेशा के लिए नहीं बन रहे तो परमानेंट को फोड़ना पड़ेगा। ऐसे चीज़ों को फोड़ना पड़ेगा कि दो तरह की हार्डनेस होती है टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। तो लिखा हुआ है हार्डनेस ऑफ वाटर जो टू टाइप्स है टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। वाटर डेट कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्ड वाटर। वो कह रहा है ऐसा वाटर जो ओनली क्या करता है ओनली ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या जो हाइड्रोजन के कार्बोनेट्स अपने पास रखता है और मैग्नीशियम अपने पास रखता है, इसको हम बोलते हैं क्या हार्ड वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं टेम्परेरी हार्ड वाटर, इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी हार्ड वाटर। और इसके अलावा जो भी हार्ड वाटर होता है वो क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगा परमानेंट। इट इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्ड वाटर बिकॉज इट्स हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड जस्ट बाय बॉइलिंग। क्योंकि इसके अंदर हार्डनेस है जो कि इन सब्सटेंस की वजह से आती है, यानी कि तब बॉयल करो सब्सटेंस को अलग निकालो निकालो आपका वाटर नॉर्मल सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। तो कह रहे इसको टेम्परेरी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके अंदर से जो हार्डनेस है ना उस हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। जैसे HCO3 है ठीक है, बेसिकली तो उसका बॉइल कर तो कैल्शियम कार्बोनेट अलग से हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा। तो H2 नॉर्मल पानी अलग हो गया, नॉर्मल पानी अलग हो गया, इस वाले में भी नॉर्मल पानी अलग हो गया, तो ये क्या हो गया जो हार्डनेस दूर हो गई, हार्डनेस तो दूर हो गई, हार्डनेस से दूर हो गई। तो ऐसे सब्सटेंस को ऐसे वाटर को हम क्या बोलेंगे टेम्परेरी हार्ड वाटर है ना। द कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस आर वेस्ट रिमूव फ्रॉम द वाटर ठीक है। कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस को हम वाटर वेस्ट रिमूव कर देते हैं। ऊपर ऊपर वाले में कैल्शियम वाला किया है, नीचे वाले में मैग्नीशियम वाला किया है। द वाटर बाय फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, उससे एक इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। जैसे ये है इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट है और ये इन कार्बोनेट है मैग्नीशियम कार्बोनेट है विच ऑन फिल्ट्रेशन रिमूव्ड एज रेजिड्यू, जो कि फिल्ट्रेशन के बाद एक रेजिड्यू बच जाता है एंड हेंस द वाटर बिकम सॉफ्ट, जिसकी वजह से वाटर बाद में सॉफ्ट बन जाता है। वाटर कंटेनिंग सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, वाटर कंटेनिंग सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज कॉल्ड परमानेंट हार्ड वाटर। वो कह रहे हैं ऐसे वाटर जिसके पास क्या कंटेनर है तो हाइड्रोजन वगैरह की बात नहीं कर रहे, बात कर सल्फेट है या फिर क्लोराइड है या फिर सल्फेट और हाँ सल्फेट और क्लोराइड से वहाँ पे हाइड्रोजन के देते हैं हाइड्रोजन ऑफ या फिर सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ बोला गया है। सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम तो देखो क्या बोला जाएगा परमानेंट हार्ड वाटर बोला जाएगा। यहाँ पे बोला गया था हाइड्रोजन ऑफ
हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, यहाँ बोला गैस वेट ऑफ बॉन्ड मैग्नीशियम कैल्शियम नोट दिस हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव द बॉन्डिंग। ये जो हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते बॉन्डिंग से, द रिमूविंग और टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर और बॉन्डिंग इज हाउएवर नॉट अ प्रैक्टिकल मेथड इट इज कॉस्ट एंड स्लोली। वो कह रहे हैं कि एक चीज ध्यान रखो, जब बॉइलिंग करते हैं ना टेम्पररी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में, तो वहाँ पर जब करते हैं ना प्रैक्टिकली ना उसको प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी स्लो स्लो भी होता है, ठीक है, काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी धीरे धीरे होता है। एडवांटेज हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के एडवांटेज क्या है, हार्ड वाटर के एडवांटेज भी होते होंगे क्या, पीने के काम में तो आता नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, हार्ड वाटर कंटेन्स सम डिसॉल्व्ड सॉल्ट हैज द फॉलोइंग एडवांटेज, कुछ एडवांटेज हैं ठीक है। सॉफ्ट वाटर फ्री फ्रॉम डिसॉल्व्ड सॉल्ट से सॉल्ट होता है, फ्री फ्रॉम डिसॉल्व्ड सॉल्ट है द वेरी फ्लैट टेस्ट, फ्लैट टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन हार्ड वाटर मेक्स इट टेस्टी। हार्ड वाटर इज देयरफॉर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस एंड वाइन्स। वो कह रहा है सॉफ्ट वाटर जो कि फ्री है डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, यानी फ्री है मतलब इसके अंदर सॉल्ट से डिजॉल्व नहीं है, तो उनका टेस्ट एकदम फ्लैट सा होता है, एकदम सिंपल सा, एकदम प्लेन है ना। लेकिन जो हार्ड वाटर होते हैं सजेंस से डिजॉल्व होते हैं तो उनके अंदर ना पानी में टेस्ट आ जाता है, पानी में क्या टेस्ट आ जाता है सॉल्ट के, इसलिए हम हार्ड वाटर को यूज़ भी करते हैं, इसलिए हम हार्ड वाटर को यूज़ भी करते हैं बेवरेजेस वगैरह वाइन्स वगैरह बनाने में, ठीक है। बेवरेजेस अगर आपको नहीं पता, बेवरेज मतलब होता है वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स, बेवरेज का मतलब वाइन कभी नहीं होता, बेवरेजेस का मतलब होता है वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स, इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और हार्ड ड्रिंक्स भी आती हैं, ठीक है। तो बहुत तरह की बेवरेज बनाने में वाइन्स बनाने में हम इसका हार्ड वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट से प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन हार्ड वाटर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बोन्स एंड टीथ। वो कह रहे हैं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं हार्ड वाटर के अंदर, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है, एसेंशियल है, ये हमारी बोन्स की और टीथ की ग्रोथ के लिए क्या है, जरूरी है, यानी कि सर हम इसको पी सकते हैं। हाँ तो हम इसको पीते हैं, यानी ये वही वाले हार्ड वाटर की बात कर रहा है। हार्ड वाटर चेक द पॉइजनिंग ऑफ वाटर बाय लेड पाइप। हार्ड वाटर जो है वो चेक करता है पॉइजन तो नहीं है वाटर में, कैसे चेक करता है, लेड पाइप उसका लिखा है उससे चेक करता है। वेन दिस पाइप आर यूज फॉर कैरिंग वाटर, जो पाइप यूज किए जाते हैं वाटर को कैरी करने में, सम लीड सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू मेक इट पॉइजनस। तो कुछ लीड सॉल्ट यूज किए डिजॉल्व किए जाते हैं इसके अंदर वाटर के अंदर ताकि पॉइजनस बन जाए। कैसे सॉफ्ट वाटर प्रेजेंट एंड ऐसे जाए तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर के अंदर होते हैं वाले सबसे, लेकिन हम बात करें हार्ड वाटर के, हार्ड वाटर के अंदर सल्फेट होते हैं, तो अगर कैल्शियम सल्फेट इज प्रेजेंट इन हार्ड वाटर फॉर्म्स एंड सॉल्युबल लेड सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ लेयर इनसाइड द लेड पाइप एंड चेक द लेड पॉइजनिंग। तो वो क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, जो वाटर हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है वो एक इनसॉल्युबल लेड सल्फेट बना लेता है, वो एक इनसॉल्युबल लेड सल्फेट बना लेता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेयर इनसाइड द लेड पाइप, उसी लेड पाइप के अंदर, ठीक है। यानी कि उसने जो लेड जो डिजॉल्व होकर जो जहर बनाता है उसमें उसको अलग ही कर डाला, उसको अलग ही कर डाला, उस तरह से क्या करता है चेक करता रहता है जहर है या नहीं, ठीक है, लेड की वजह से। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम, इसका यूज स्टीम बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्टीम इज यूजली मेड इन बॉयलर्स विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ नैरो कॉपर ट्यूब्स सराउंडेड बाय फायर रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। स्टीम इज यूजली मेड इन बॉयलर्स विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ नैरो कॉपर ट्यूब्स सराउंडेड बाय फायर एज द कोल्ड वाटर एंटर्स दिस ट्यूब्स, एज द कोल्ड वाटर एंटर दीज ट्यूब्स दोबारा से पड़ता है। स्टीम इज यूजली मेड इन बॉयलर्स विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ नैरो कॉपर ट्यूब्स सराउंडेड बाय फायर, ठीक है। एज द कोल्ड वाटर एंटर दीज ट्यूब्स इट इज इमीडिएटली चेंज इन टू स्टीम वाइल द डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इन कैपेबल ऑफ चेंजिंग इन टू वेपर गेट डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ ट्यूब्स दिस गोज ऑन एंड दस द bore of the tube should become narrower and narrower. The result is that eventually less water flows through the tube at one time and less steam is produced. When the bore of the tube becomes very narrow, the presence of steam increases so much that at times the boiler itself bursts. बस्ट है ना, नॉट ओनली दैट द बॉयलर स्केल फॉर्म इनसाइड द ट्यूब बीइंग अ बैड कनेक्टर फिट अलाउज ओनली पार्ट ऑफ द आफ्टर हीट टू गो इन एंड कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर एंड वेस्टेज ऑफ फ्यूल टू मिनिमाइज द लॉस द बॉयलर स्केल इज रिमूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय
यूजिंग अ बॉयलर कंपाउंड और एल्स वाटर इज फर्स्ट सॉफ्टेंड एंड देन यूज बोथ कॉस्ट मनी. द फरिंग ऑफ द टी केटल इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द सेडिमेंट ऑन इट्स वॉल्स फ्रॉम बॉइलिंग हार्ड वाटर. दिस इज नथिंग बट कार्बन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मिनरेशन. हार्ड वाटर ऑल्सो स्पॉइल्स टैप्स वॉशिंग मशीन एंड इवन गीजर्स. ठीक है. क्या कह रहा है? पहले तो डिसएडवांटेज बता रहा है कि हार्ड वाटर को आप स्टीम बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते. किस लिए? एक डिसएडवांटेज तो आपको बता दिया कि आप स्टीम बनाने के लिए इसको यूज नहीं कर सकते. पर क्यों नहीं कर सकते? रीजन क्या है उसका? रीजन क्या है उसका? तो रीजन कुछ ज्यादा बड़ा दिया हुआ है. पढ़ो पहले तू, दो तीन लाइनें जरा उसकी पॉज करके. देखो क्या है स्टीम का मतलब. पहले वैसे वो क्या होता है? सिर्फ एक वेपर होती है, एक तरह की वेपर वाली फॉर्म, भाप जिसको बोलते हैं हिंदी में, भाप है ना. तो कह रहा है स्टीम इज यूजली मेड इन बॉयलर्स. स्टीम वैसे भाप जो बनती है वैसे कहाँ पर? बॉयलर से बनती है. एक ऐसे बर्तनों में जहाँ पर हम चीज़ें बॉयल करते हैं, वाटर बॉयल करते हैं, तो भाप उन्हीं में बनती है. भाप कैसे बनती है? बॉयलर्स में. ठीक है. विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ नैरो कॉपर ट्यूब्स. विच आर मेड अप ऑफ ऑफ नैरो कॉपर ट्यूब्स सराउंडेड बाय पाइप. अब वो कह रहा है, अब वो जो बॉयलर होता है, बॉयलर वो बहुत सारे पतले पतले कॉपर ट्यूब से बना होता है. वो बहुत सारे नहीं, पतले पतले कॉपर ट्यूब से मिलकर बना होता है. वो कॉपर ट्यूब कैसे होते हैं? वो कॉपर के ट्यूब्स कैसे होते हैं? सराउंडेड बाय फायर होते हैं. सराउंडेड बाय फायर होते हैं, यानी ये बॉयलर की बात करें अभी तक, तो बॉयलर कैसा होना चाहिए? बहुत सारे कॉपर ट्यूब से बना होना चाहिए. वो कॉपर ट्यूब क्या होनी चाहिए? फायर से कवर्ड होनी चाहिए. फायर के चारों तरफ होनी चाहिए, फायर के बीच में होनी चाहिए, ताकि वो हीट होता रहे और पानी को बॉयल करता रहे. ठीक है. एज अ कोल्ड वाटर एंटर दिस ट्यूब. जैसे ही कोल्ड वाटर ट्यूब से अंदर जाता है, इट इज इमीडिएटली चेंज इन टू स्टीम. तो वो तुरंत स्टीम में चेंज हो जाता है. ऐसा कर सकता है? आप घर पे करके देखना. गर्म पानी लेना, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पानी रख देना, थोड़ा ज़्यादा नहीं था, थोड़ी सी गैस कर लेना, थोड़ा सा ठंडा पानी रख देना. एकदम सबको भाप बनते हुए दिखाई देगी, एकदम से आवाज़ भी आएगी, साउंड सा भी आएगा थोड़ा सा. तो ऐसा होता है. तो कह रहे हैं कि एकदम से इमीडिएटली वो स्टीम में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा पोर्शन, सारा नहीं पर थोड़ा सा. While the dissolved solids incapable of changing into vapor, gas is still deposited on the inner walls of the vessel. वो कह रहा है, इन वाटर के अंदर कुछ डिजॉल्व सॉलिड्स भी हैं, कुछ डिजॉल्व सॉलिड्स भी हैं. वो बेचारे वेपर में चेंज नहीं हो पाएंगे. वाटर तो हो गया, पर उनके अंदर जो सब्सटेंसेस थे, जो इम्प्योरिटीज थे, सॉलिड वाली, अब इनकेपेबल ऑफ चेंजिंग इनटू वेपर. वो बेचारे वेपर में चेंज नहीं हो पाएगी. ठीक है. तो वो क्या करते हैं, गेट डिपॉजिटेड ऑन इनर वॉल्स ऑफ द ट्यूब्स. अब वो ट्यूब्स के वॉल्स में क्या हो जाती है? अंदर ही अंदर डिपॉजिट होने लग जाती है. ठीक है. सॉलिड वो जैसे गोदन, ऐसा चलता रहता है, ऐसा चलता रहता है, बड़ी होते रहते हैं, वो डिपॉजिट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं. जैसे द बोर ऑफ द ट्यूब्स बिकम नैरोवर एंड नैरोवर. और धीरे धीरे जो उसका जो होल होता है बेसिकली, वो और छोटा और छोटा और छोटा होने लगता है. ठीक है. दिस रिजल्ट इज दैट इवेंचुअली लेस वाटर फ्लो. और इसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलता है कि सर उसके अंदर जगह कम थी तो वाटर भी कम फ्लो होगा. वाटर अगर कम फ्लो होगा तो स्टीम जो पहले हो रही थी प्रोड्यूस, क्या उतनी होगी? कम होगी, कम होगी. और एक टाइम आएगा कि एक टाइम आके बिल्कुल ही नहीं होगी. तो कह रहे हैं कि सूटेबल नहीं है फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम. ठीक है. When the bore of the tube becomes very narrow, जब उसका जो होल जो होता है, उसका जो स्पेस होता है बेसिकली बोर होता है ट्यूब का, वो बहुत छोटा हो जाता है. द प्रेशर ऑफ स्टीम इंक्रीजेस सो मच दैट, सब प्रेशर स्टीम कितना ज़्यादा भर जाता है कभी सो मच दैट एट टाइम्स द बॉयलर इटसेल्फ बस्ट. द बॉयलर कभी फट भी जाते हैं. नॉट ओनली दैट, द बॉयलर स्केल फॉर्म्ड इनसाइड द ट्यूब बीइंग अ बेड कंटेनर ऑफ हीट अलाउज ओनली पार्ट ऑफ द आउटर हीट टू गो इन एंड कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम. कभी कभी ये नहीं कि फट ही जाए, कभी कभी तो ये भी होता है कि जो बॉयलर स्केल होता है जिसके अंदर बना हुआ होता है ट्यूब के अंदर, वो एक तो बेड कंडक्टर होता है, एक रीजन
एक तो बेड कंडक्टर होने की ऐसे पता है क्या करता है, बेड कंडक्टर होने की ऐसे हीट को एब्जॉर्ब तो करता नहीं है, ही अलाउज ओनली पार्ट ऑफ आउटसाइड हीट टू गो इन। वो क्या करता है, हीट को छोड़ता नहीं है बेसिकली, वो हीट को अंदर तो आने देता है, अंदर तो आने देता है पर बाहर नहीं जाने देता, एंड कन्वर्ट द वाटर टू स्टीम, वाटर को स्टीम चेंज कर देता है थोड़ा वो जितना हो पाता है उसने, है ना। दिस इज रिजल्ट इन लॉस ऑफ एफिशिएंसी, इसके से एफिशिएंसी में थोड़ा गिरावट आ जाती है, एंड वेस्ट ऑफ फ्यूल, फ्यूल वेस्ट होता है जो हम गर्म करने के लिए चला रहे हैं। तो मिनिमाइज द लॉस द बॉयलर स्किल रिमूव, और इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, बॉयलर स्किल को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय यूजिंग बॉयलर कंपाउंड या फिर किसी वाटर को यूज करके देन, है ना, और ऐसे वाटर को सॉफ्टन सॉफ्टन या फिर या तो कंपाउंड यूज करेंगे या फिर मोटर को बड़े सॉफ्ट करेंगे और यूज करेंगे, ठीक है। और दोनों में से कोई भी काम करें, दोनों क्या है, कॉस्टली है, दोनों क्या है, काफी कॉस्टली तरीके हैं, ठीक है। द फलिंग ऑफ द टी कैटल, द फलिंग ऑफ द टी कैटल, फलिंग लिखो, फडिंग मतलब पता है एक लेयर होती है, एक लेयर, लेयर पता है आपको, नहीं पता दिखाता हूँ मैं आपको, ये येलो येलो दिखाई दे रही है आपको, येलो येलो सॉरी, इसको बोलते हैं पपड़ी, पपड़ी बोल सकते उसको हिंदी में आप, है ना। ये जो फरिंग होती है ये भी किस वजह से बनती है, इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द सेडिमेंट फॉर्म्ड ऑन इट्स, आई होप आपको क्लियर आ रही है। द फरिंग ऑफ द टी कैटल इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द सेडिमेंट, एक ऐसी लेयर, ये भी उसी लेयर की वजह से आती है, फॉर्म्ड ऑन इट्स वॉल्स फ्रॉम बॉइलिंग हार्ड वाटर। ये भी किस वजह से होती है, क्योंकि हार्ड वाटर को बॉयल कर देते तो हार्ड वाटर के अंदर जो सॉलिड होता है वो वेपर नहीं बन पाता, वेपर नहीं बन पाता वो सारा आपके बर्तन में ही क्या कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। दिस वाइज नथिंग बट कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, ये फर्क कुछ नहीं है, कैल्शियम वो कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हार्ड वाटर ना क्या करता है, खराब कर देता है, टैप को खराब कर देता है, वॉशिंग मशीन को खराब कर देता है, इवन गीजर्स वगैरह को भी खराब कर देता है, ठीक है। एक तो अपने जो रहते हैं चल रहे जो रहते हैं हमारे, एक इसके अंदर रिमूविंग, एक इसके अंदर रिमूविंग हो रहा है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उससे पहले का भी हम कर लेते हैं। हार्ड वाटर इज ऑल्सो अनफिट फॉर वॉशिंग पर्पजेस, तो हार्ड वाटर को आप वॉशिंग पर्पज पे भी हम नहीं दे सकते, क्यों ऐसा पढ़ते जाता है, फॉर वॉशिंग पर्पजेस सोप इज इन वेरिएबल यूज, वो कह रहे हैं वॉशिंग पर्पज के लिए सोप को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और सोप को यूज़ किया था आपको कुछ याद आ रहा है, हाँ आपको याद आ गया होगा, जैसे हार्ड वाटर के तो झाग नहीं बनते, लेथर ही नहीं बनता, बिना झाग के तो कपड़े धुल नहीं सकते, बिल्कुल तभी लिखा हुआ है। वॉशिंग पर्पज सोप इज इन वेरिएबल यूज, सोप इज केमिकल है सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड एंड हैज द फॉर्मूला C7H35 COW, ये सोप का फॉर्मूला याद कर लेना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो कह रहा सोप के एक केमिकल के, एक केमिकली एक केमिकली के एक सोडियम सोडियम है सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड है ये, ठीक है, जो जिसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। अभी बीच में बोल रहा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड ब्रैकेट में क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक एसिड विद फॉर्मूला ऑफ दिस, एक ऑर्गेनिक एसिड है ये जो बनाया गया है इसके लिए, बस ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। सोडियम स्टीरेट कैन भी रिप्रेजेंट बट NaSt, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NaSt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं, इफ वाटर इज हार्ड द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ द वाटर कंबाइंड विद द नेगेटिव आयंस ऑफ द सोप टू फॉर्म अ स्लिमी परसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम यूजुअली गिवन इन द नेम ऑफ अ सोप कर्ड ऑफ स्कम। वो कह रहे हैं जब वाटर जब हार्ड होता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयंस होते हैं वाटर में कंबाइंड हो जाते हैं सोप के नेगेटिव आयन्स के साथ, और उससे क्या करते हैं स्लेट परसिपिटेट फॉर्म करते हैं इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम का, ठीक है।
इसको यूजुअली हम क्या नाम दे देते हैं, सोप कर्ड या फिर स्कम नाम दे देते हैं, सोड सोप कर्ड या फिर स्कम नाम दे देते हैं, ठीक है। ये रहा सोप का फॉर्मूला, NaCl2SiO3, ठीक है। इसको बेचारे को क्या बना देगा, सोप कर्ड बना देगा, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ सोप कर्ड विल गो ऑन, द फॉर्मेशन ऑफ सोप कर्ड का अब चलता रहेगा, एज लॉन्ग एज देयर आर कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट, जब तक पानी में है कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है तब तक की प्रोसेस चलती रहेगी। टिल देन नो सोप लेथर विल बी फॉर्म, और तब तक ही जब तक ये चीज़ खत्म नहीं होगी तब तक क्या होगा, कोई भी देखा कोई भी झाग नहीं बनेगा, एंड क्लीनिंग ऑफ क्लोथ और बॉडी विल नॉट पॉसिबल, और ना ही क्लोथ की ना ही बॉडी की क्लीनिंग पॉसिबल हो पाएगी। मोर ओवर दीज परसिपिटेट्स आर डिफिकल्ट टू वॉश आउट फ्रॉम द फैब्रिक एज दे आर इन सॉल्वेबल वाटर। अब वो कह रहा है ये एक चीज़ है परसिपिटेट, हो परसिपिटेट बाहर निकलेंगे, पॉसिबल बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, कि धुलते हुए बाहर निकल जाए, अब तो डिफिकल्ट है, ठीक है। अब क्यों है, क्योंकि ये फैब्रिक्स में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, क्या होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बेसिकली, तो निकल के कुछ फ़ायदा भी नहीं है। दे समटाइम्स फ्रॉम रस्टी स्पॉट्स ऑफ द आयरन सॉल्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर, क्या कहना दे समटाइम्स, अच्छा फॉर्म दे समटाइम्स फ्रॉम रस्टी स्पॉट्स, कभी कभी ना रस्टी स्पॉट्स आ जाए, रस्टी मतलब क्या जंग वाली जगह बना देते हैं। इफ आयरन सॉल्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर, अगर सॉल्ट में आयरन सॉल्ट, अगर सॉल्ट में आयरन प्रेजेंट है तो फिर ठीक है, अगर वाटर में आयरन सॉल्ट प्रेजेंट है तो वहाँ पर जंग भी लगा देते हैं। दिस डिफिकल्टी हैज बीन सॉल्व्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय यूजिंग सिंथेटिक डिटर्जेंट, वो कह रहा है इस प्रॉब्लम को हमने एक तरह से दूर किया, एक तरह से काफ़ी मतलब लेवल अच्छे लेवल तक दूर किया, कैसे, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिटर्जेंट। आप डिटर्जेंट यूज करो साबुन की जगह, हाँ तो हो जाएगा, इसको हम सर्फ बोलते हैं बेसिकली, DDT डिटर्जेंट। सर्फ बोले डिटर्जेंट बोले अट सकता है, आर यूज इन प्लेस ऑफ सोप, हम इनको क्या करते हैं सोप की जगह पर यूज करते हैं डोमेस्टिक और लॉन्ड्री वर्क में। दीज आर मेड बाय सल्फोनेटिंग सम हायर एल्केन्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन कन्वर्टिंग देम इनटू सोडियम सॉल्ट्स और कॉस्टिक सोडा। क्या कहता है ये, दीज आर मेड बाय सल्फोनेटिंग सम हायर एल्केन्स, वो कह रहे हैं हमने काफ़ी सारे हायर एल्केन्स को सल्फोनेट किया, किसके साथ, मतलब सल्फोरिक एसिड के साथ, एंड देन उनको कन्वर्ट किया इनटू सोडियम सॉल्ट, ठीक है, बाय का यूजिंग टिक सोडा। द सोडियम सॉल्ट आर कॉल्ड डिटर्जेंट, और इन सोडियम सॉल्ट को हमने क्या नाम दिया, डिटर्जेंट नाम दिया, डिटर्जेंट हर मोर सोल्यूबल इन वाटर, सर ये सोप से ज़्यादा क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं, एट आर अनअफेक्टेड बाय हार्डनेस ऑफ वाटर, जब वाटर की हार्डनेस से कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज जब कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट है सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि अभी जो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, सो दे डू नॉट फॉर्म स्कम, स्कम नहीं बनाते हैं, इस चीज़ें क्या बनाते हैं लेथर बनाते हैं, सॉरी। डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप, डिटर्जेंट को हम क्या बोलते हैं सर, ऐसा सोप जिसके अंदर सोप ही नहीं है, सोप वाला काम करा है पर ये सोप नहीं है, ठीक है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, अब ये जरा देखो कि सोप्स और डिटर्जेंट कैसे बॉडी को या क्लोथ को क्लीन करते हैं, जरा एक्शन समझ लेना। When a soap or detergent is dissolved in water, the water will dissolve जाता है तो molecules together as a cluster called micelles, वो कह रहा है काफ़ी molecules इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, कस्टम में ग्रुप बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं micelles बोलते हैं। देयर टेल्स वर्सन की जो हेड आउट वर्सन की जो हेड आउट वर्सन की जो टेल होती है वो पीछे वो अंदर की तरफ होती है और जो हेड होता है बाहर की तरफ होता है, ठीक है कुछ दिखा रहे हैं टेल वगैरह। उन क्लीन रिंग द हाइड्रोकार्बन टेल अटैच इटसेल्फ टू द ऑयल एंड डर्ट, ऐसा क्लीन रिंग का जब टाइम चलता है तो हाइड्रोकार्बन जो टेल होती है ना वो अपने आप वो अटैच करती है अपने से, किसको, अपने खुद को वो अटैच करती है किसी ऑयल और डर्ट से, तो ऑयल और डर्ट उससे टच हो जाते हैं। व्हेन वाटर स्टेट द वाटर को मिक्स किया जाता है डर्ट टेंड टू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द डर्टी सरफेस, सब वाटर और जो डर्ट ऑयल और डर्ट होता है वो डर्टी सरफेस से किस तरफ आ जाता है, वो डर्टी सर्फेस हट जाते हैं बेसिकली,
डिसोसिएट इनटू फ्रेगमेंट्स, और टुकड़ों में बट जाता है, टुकड़ों में बट जाता है। दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अदर टेल्स टू स्टिक टू द ऑयल एंड डस्ट। इससे अदर जो टेल्स है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो अपने आप उसको उन ऑयल और डस्ट से अटैच कर लेती है, ठीक है। द सॉल्यूशन नाउ कंटेन्स स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ ऑयल एंड डर्ट सराउंडेड ट्रेन मॉलिक्यूल्स। अब जो सॉल्यूशन जो हमारे वाटर का बना वो कैसा बना, ऐसा बना कि जिसके अंदर जो ऑयल और डर्ट है ना वो किससे सराउंडेड है, बाय डिटर्जेंट मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। अ नेगेटिवली चार्ज हेड प्रेजेंट इन द वाटर प्रिवेंट द स्मॉल ग्लोब्यूल्स फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म एग्रीगेट। दस ऑयल एंड डर्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्लोथ्स व्हेन दे आर मिक्स्ड विद द वाटर। वो कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज जो हेड्स प्रेजेंट होते हैं ना वाटर में वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स को एक साथ आने में और एक एग्रीगेट ग्रुप बनाने में, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है आप ऑयल एंड डर्ट में धीरे धीरे वाटर से रिमूव हो, वो कपड़ा से रिमूव हो जाते हैं, तब जब उनको पानी में डुबोया जाता है, नीचे वाला डुबोया जाता है, भिगोया जाता है, जब उनको वाटर में रिंस किया जाता है तो वाटर हो जाते हैं, ठीक है। अभी बताइए रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको कम्प्लीट कर देंगे, ठीक है। देख लो कुछ होगा क्या यहाँ पे, वाटर वाटर इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड व्हाट वॉल्यूम इज एलिमेंट फ्रॉम बाय ट्राई करना। वाटर इज यूज ऑफ सॉल्यूट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाउ टू सैचुरेट सॉल्यूशन सोडियम नाइट्रेट फ्रॉम क्रिस्टल्स एज इट गोस बाय वाटर हाइड्रो सब्सटेंस। तो ना यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे ना 1, 2, 3, B, 3, 3A, 3B, 3C इन थ्री मेथड्स बाई विच हाइड्रस सब्सटेंस कैन बी मेड एनी हाइड्रस, ठीक है। कर लेना है वॉट इज द इम्पोर्टेंस डिजॉल्व इम्पोर्टेंस इन वाटर, टेस्ट देता है ये बताने का। स्टेट टू वेज बाई विच सैचुरेट सोल्यूशन कैन बी चेंज इनटू अनसैचुरेटेड। एक टेम्परेचर बढ़ाकर है, ठीक है, और एक कुछ डालकर एक वाटर और एड कर दूँ तो भी हो जाता है, ठीक है। वॉट यू अंडरस्टैंड बाई सॉफ्ट वाटर लिख देना हार्ड वाटर, अच्छा सारा ही लिख दो गया, हम सारे पढ़ चुके हैं। वाटर द कॉजेस ये भी अभी दो के कॉजेस तो पढ़े रहे थे हम। वाटर के एडवांटेजेस एडवांटेजेस हमने पढ़ ली, वाटर लेगामेंट्स ये भी हमने पढ़ लिया। इन द सस्टेंस विच गिव वाटर टेम्पररी हार्ट, वो हाइड्रोजन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सल्फोनेट्स वगैरह सल्फेट्स वगैरह वो लिख लिया, ठीक है। आपको ये इक्वेशन से सो दैट वाट हैपेंस ऑन टेम्पररी हार्ट ये इक्वेशन याद कर लेना, फिर ये क्वेश्चन पूछा गया अगर ऐसा तो ये याद कर लेना, ठीक है। डिसएडवांटेजेस दो पढ़े थे हमने, ये पढ़ लेना, ठीक है। वाट इज सोप, सोप पढ़ लेना। एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप ये अभी अभी पढ़ाया हमने, ये रख लेना। वाट इज द हार्डेस्ट ऑफ वाटर रेंडर इट अनफिट फॉर यूज इन बॉयलर और फॉर इनके रीजंस क्या क्या हैं, इनके रीजंस क्या क्या हैं क्यों सर्विस कर उसका रीजन पूछ सर्विस कर। एक्सप्लेन द क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा हमने। वाट इज परमिट मेथड परमिटेड मेथड भी नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। दो क्वेश्चन रह गए हमारे, कल नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका सारा होमवर्क है।